नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। नेता वही जो जनता के समक्ष, जनता के साथ छाना बिछाना चले और जनता की परेशानी को हमेशा उजागर करे, प्रशासन और सरकार तक लाए वो जानकारियाँ। एक ऐसा जम्मू का नेता जो किसी भी तारुक के मोहताज नहीं, समय चाहे पैंडेमिक का हो चाहे ऐसे हो, हमेशा आम जनता के मुद्दों को, युवाओं के मुद्दों को, चाहे वो मुद्दे बेरोजगारी के हो चाहे वो मुद्दे महंगाई को, हमेशा उजागर किया है। कोई और नहीं, हर्षदेव सिंह, जो कि चेयरमैन है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा, गधे को जितना मर्जी साबुन लगाकर नहाया जाए वो घोड़ा कभी नहीं बन सकता। ये कहावत किनके लिए कही गई है इसके बारे में भी इनसे जानेंगे। पर एक दायित्व इनको दिया गया था 2014 में, जब ये कहा गया था कि जितनी भी जो MLA MLC है उनको इस तरह की, यानी कि क्लासेस लगाई जाए, उनको इस तरह से सिखाया जाए ताकि आने वाले समय जब वो विधायक बने और ताकि वो जनता का कुछ भला कर सकें। आखिर वो क्या था, सारी कहानी इन्हीं के ज़ुबानी सुनेंगे। और भी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे हरदेव सिंह जी से। हरदेव जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है दैनिक शिव टाइम में। जी शुक्रिया सर। क्या 2014 में जो आपको एक दायित्व सौंपा गया था और कहीं ना कहीं आप उस समय सम्मानित भी किया गया था, कहीं ना कहीं आपकी छवि को देखते हुए, पर क्या आज के दौर में लगता है उस समय से लेकर आज तक आप उन MLA उन MLC को वो सबक नहीं सिखा पाए जिसकी उनको बड़ी ज़रूरत थी? सर देखिए, 2014 में मैं नहीं बना, लेकिन उस वक्त जो सरकार बनी उसने मुझे जो एक जिम्मेदारी दी और ये कहा कि आप जो ये MLAs और MLCs नए बने हैं इनको आप सिखाइए, इनको आप ओरिएंटेशन दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, कायदा और कानून के बारे में जो है वो जानकारी दीजिए। इन लोगों ने सीखा नहीं और आज उसी का खुमाइजा जो है मुझे लगता है कि सर आपने सिखाने की कोशिश की। जी बिल्कुल, हमारी तरफ से तो था, लेकिन अब जो सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं आपको इसके बारे में मैं बताता हूँ, ये जो हालात अभी चल रहे हैं, जो डिलिमिटेशन का ख़ास तौर पर हुआ उसमें बहुत ज़्यादा मुझे एक हैरानगी भी हुई कि ये नेता जो MP भी रहे इसमें से और MLA रहे, मिनिस्टर रहे यहाँ सरकार के अंदर, वो डिलिमिटेशन कमीशन के पास जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब 24 सीटें जो POJK के लिए रिजर्व्ड है उसमें से 8 सीटें डीफ्रीज कर दीजिए। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मुझे हैरानगी इसलिए हुई क्योंकि जहाँ ये बात उठाई जानी चाहिए थी वहाँ उन्होंने ये बात उठाई नहीं। ये कानून साजिया का काम है, सीटें फ्रीज करना या डीफ्रीज करना। या तो नेताओं को ये भी नहीं पता कि कहाँ कौन सी बात कौन सी बात की जानी। मैं थोड़ा सा रश्मि आपको, पहले ये दर्शक भी होंगे उनको भी मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि सीटें जब तय की जाती हैं तो ये कानून साजिया जो है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी सीटें इसके लिए एलोकेट करते हैं। ये सीटें जो हैं यो बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं, या तो लेजिस्लेचर कर सकता है या पार्लियामेंट कर सकती है। जम्मू कश्मीर में जब ये लोग 3.5 साल हुकूमत में रहे उस वक़्त इन्होंने कोई भी इस संदर्भ में प्रयास नहीं किया, कोई भी बिल पेश नहीं किया असेंबली के अंदर, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया कि उन 24 में से 8 सीटें डीफ्रीज की जाएं, उसके लिए बिल पेश करना पड़ता है कानून साजिया में, वो नहीं किया उन्होंने। उसके बाद फिर मौका एक मिला जब पार्लियामेंट में 2019 में J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बना, जब वो बिल पेश हुआ उसमें ये रखा जा सकता था प्रावधान कि 24 में से 8 सीटें जो हैं वो डीफ्रीज की जाती हैं। ये पार्लियामेंट उस वक्त कर सकती थी और पार्लियामेंट में बिल भी BJP के लोगों ने ही पेश किया और BJP के लोगों ने उस वक्त इस संदर्भ में कोई बात नहीं की। उन्होंने कानून पास कर दिया कि 24 सीटें रिजर्व रहेंगी, पार्लियामेंट में कानून पास हो गया और 90 सीटें जो हैं उनके ऊपर हदबंदी होगी और उन्हीं के ऊपर चुनाव होगी। उसके बाद एक तीसरा मौका भी इनके पास था जो इतना साजगार तो नहीं था लेकिन उसमें भी बात की जा सकती थी। जब प्रधानमंत्री महोदय की ऑल पार्टी मीटिंग हुई उनको ये कहा जा सकता था कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अमेंड करवाइए और 8 सीटें 24 में से डीफ्रीज करवा दीजिए, वो भी इन्होंने नहीं किया और ऑल पार्टी मीटिंग में भी शिरकत करके आ गए फिर भी अपनी छाती ठोकते रहे। हाँ हम तो बहुत बड़ा किला मार के आए, हम तो प्रधानमंत्री महोदय से मिल के आ गए, हमने उनके साथ मीटिंग कर ली, लेकिन मसला वहाँ भी नहीं उठाया। और यहाँ आने के बाद बड़े बड़े ऐलानात
कहते हैं ना ब्रेवडो एंड बम्बास्ट की पॉलिटिक्स शुरू कर दी मीडिया में, बयानात ये वो, ये पता नहीं है कि करना क्या है और होगा कैसे, इस बात की जानकारी नहीं। हम डिलिमिटेशन कमीशन के समक्ष अब ये मुद्दा रखने जा रहे हैं, उस वक्त भी मैंने कहा कि दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर डिलिमिटेशन कमीशन को मैंडेट नहीं है कि वो सीटों को फ्रीज करे या डीफ्रीज करे, ये उसके दायरे अख्तियारात में नहीं आता है। लेकिन उसके बावजूद फिर वहाँ पहुँच गए और डिलिमिटेशन कमीशन को मेमोरेंडम दिया कि 8 सीटें 24 में से डीफ्रीज कर दीजिए। बहुत ही हैरानगी की बात है, अगर बीजेपी नेताओं में किसी को भी कायदा और कानून की जानकारी नहीं है तो जम्मू खित्ते के लोगों को उनका हक कैसे मिलेगा। और आपने कहा सीखे नहीं, आपने सिखाया नहीं। मैं आपको बताऊं, इनको जितना मर्जी सिखा लो मुझे नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है। जैसे कहावत है कि गधे को जितना मर्जी धो लो, साबुन लगा लो, वो घोड़ा नहीं बन सकता है। इसी तरीके से इनको जितना मर्जी आप कहते जाओ, जम्मू के लोग बहुत कुछ कहते रहे इनको कि हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है, हमारा हिस्सा जो है वो मुलाजमत में चला गया, एलोकेशन ऑफ फंड्स में चला गया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वो कोरे के कोरे हैं, वो ऊपर से बात हवा में उठ जाती। और यहाँ आप डिलिमिटेशन कमीशन से मांग कर रहे हो कि सीटें डीफ्रीज कर दो, जिनके दायरे अख्तियारात में नहीं आता। कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए थी। वो मुझे बड़ा अचंभित होता है, जम्मू के लोगों को कैसे हक मिलेगा, ये सवाल मैं जम्मू के अपने भाइयों से भी करूँगा कि ऐसे लोगों के होते हुए आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आपका कुछ बन सकता है। ऐसे ही नेता हमारे बनते रहे, इसलिए हम ये कहते हैं उन लोगों को बताइए, बनाइए जो नुमाइंदगी करना जानते हो, जो कायदा कानून की जानकारी, प्रोसीजर्स की जान, और ये जानते हो कि कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए। यानी कायदे कानून की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है एक नेता के लिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप ये तो वो बात डिलिमिटेशन कमीशन से 8 सीटें डीफ्रीज करने की बात ऐसे हो गई जैसे आप बैल के पास पहुँच गए दूध धोने के लिए। वो तो गाय से मिलेगा ना, वो बैल से थोड़ा मिलेगा। तो वही बात होगी कि आप डिलिमिटेशन कमीशन को कहते हैं कि हमें 8 सीटें वहाँ से डीफ्रीज करवा दीजिए। बड़ी हैरानगी की बात है और ये बात सोचने की है, इस बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए किसी को भी। जमीन निवासियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा कि अगर लीडरशिप बैंकरप्सी हो जाएगी और ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा तो किस तरीके से जम्मू अपना अधिकार और हक हासिल कर सकता है। अर्षदेव जी, आप हमेशा, आपने जम्मू की जनता के जो मुद्दे हैं हमेशा उनको उजागर किया। हम बार बार देखते हैं जबकि पैंडमिक का टाइम था, बड़े बड़े नेता, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे और पार्टी के हों, सब अपने घरों को कूच कर चुके थे, अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि एक विकराल, एक प्रचंड रूप लेकर कोरोना महामारी दरवाजे पर खड़ी थी। पर आपने लगातार उस टाइम में भी आम जनता के, युवाओं के मुद्दों को उजागर किया। अभी हाल ही में एक मुद्दा और सामने आया कि जिस तरह से कानून हर कोई रातों रात ही उजागर कर दिया जाता, थोप दिया जाता है आम जनता पर, जिसको लेकर जनता हमेशा आवाज़ उठाती है। सबसे बड़ी बात कि 150 साल पुरानी प्रथा दरबार मूव की, जिससे कि दोनों खित्ते के लोगों को आपसी मेल जोल का समय मिलता था, रोज़गार बढ़ता था, उनका व्यवसाय बढ़ता था, कहीं ना कहीं फैसला तो थोप दिया गया, कई लोगों ने स्वागत भी किया गया, पर बात जहाँ पर आती व्यापारी वर्ग की, आज व्यापारी वर्ग जो आज आवाज़ उठा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा अगर दरबार मूव जम्मू या जम्मू टू श्रीनगर नहीं होता। आपकी क्या सोच है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आम जनता को देकर, कि व्यापारी वर्ग को देकर? देखिए, जो दरबार मूव की बातें कही जा रही हैं, मुझे तो वही लगता है अभी ये कागज़ों में ही हुआ है, हकीकत में तो नहीं हुआ है। कहाँ है दरबार जम्मू में? तो मुझे दिखता नहीं है दरबार कोई भी, यहाँ तो कोई है ही नहीं। जिस मर्जी आप कमिश्नर का पूछ लो, वो कहते हैं वो श्रीनगर में है, यहाँ कोई मिलता ही नहीं है। हाँ, हम जैसे लोग जब टेलीफोन करते, आम लोगों से कौन मिलेगा? रश्मि, आप मुझे बताइए, ये तो कागज़ों में आपने कर दिया होगा कि यहाँ भी चल रहा है और वहाँ भी चल रहा है, मुझे नहीं लगता कहीं भी चल रहा है। अगर आप कश्मीर में भी पता करो, और यहाँ से सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात मैं आपसे करूंगा कि एक हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जो एक ही हेड है, वो कहाँ है? जम्मू में भी नहीं है और कश्मीर में भी, वो कहते हैं यहाँ नहीं है। जम्मू में पूछो यहाँ नहीं है, कश्मीर में पूछो यहाँ नहीं है। तो उनको एक बहाना मिल गया है, ना जम्मू में बैठो ना कश्मीर में। जम्मू वाले पूछेंगे तो कहेंगे कश्मीर में है, कश्मीर वाले पूछेंगे तो कहेंगे जम्मू में। कह देंगे हमारा दफ्तर यहाँ चल रहा है,
होता क्या है, कुछ नहीं होता है। कहते हैं ऑनलाइन हमने ये शुरू कर लिया है। अरे आपके सामने लोग जो हैं वो जोर जोर से जो है अपनी बात चिल्ला चिल्ला कर भी जो करते हैं उनकी बात भी आप नहीं सुनते हैं, रोते हैं, पीटते हैं कि हमारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो तब भी उनका काम नहीं होता है। तो ऑनलाइन का जो आप कहते हैं, आप ऑनलाइन से दोनों जगह पे काम हो जाएगा, तो ये मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हरगिज़ नहीं हूँ, क्योंकि कोई काम आज की तारीख में नहीं हो रहा है। और जम्मू में कौन बैठा हुआ है, कम से कम अखबारों में हर हफ्ते आप मीडिया के माध्यम से ही लोगों को ये बता दीजिए, एक ऐड अगर न्यूज़पेपर में अगर आप लगा देंगे, मुझे नहीं लगता है कि उससे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला है कि जम्मू में आपने किसको बैठाया है। अगर कमिश्नर कश्मीर में बैठा हुआ है तो जम्मू में क्या स्पेशल सेक्रेटरी है जो, या एडिशनल जो सेक्रेटरी है, क्या उसको आपने वो अख्तियारात दिए हैं जिससे वो यहाँ फैसला ले सके? क्या वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट की पावर्स आपने उसको यहाँ जम्मू में दी हुई है, या वो पावर्स अपने साथ लेकर आज की तारीख में कश्मीर ही चले गए हैं? ये अभी तक जो है ये कन्फ्यूजन सरकार के अंदर भी है और लोगों के अंदर भी है, और हकीकत यह है कि कहीं भी काम नहीं हो रहा है, ना जम्मू में हो रहा है ना कश्मीर में हो रहा है। इसलिए लोग ये कहते थे कि अगर रियासतें बन जाती हैं तो मसला ही हल हो जाता है, क्योंकि दो जगह सेक्रेटेरिएट है तो दोनों जगह चलाएं आप, फिर तो रियासतें बनाकर चलाएं। ये जो सिलसिला है इससे लोग जो हैं वो अभी तक कन्फ्यूज्ड हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनको कन्फ्यूज करके इस सरकार ने रखा हुआ है, ये कह के कि हम दोनों जगह जो है वो सेक्रेटेरिएट चला रहे हैं। हकीकत ये है कि कहीं भी सेक्रेटेरिएट जो है आज की तारीख में नहीं चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। हमने खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के पास 6 महीने कुछ पहले कुछ मसले उभारे थे, उनका पता ही नहीं चल रहा है कि वो फाइलें गई कहाँ हैं, वो कश्मीर गई हैं, जम्मू गई हैं, कहाँ गई हैं, कहाँ वो जो इश्यूज़ हैं वो किसके पास आदमी पूछने के लिए जाएगा। तो ये बहुत है। और व्यापारी वर्ग को तो जो अपना मसला है वो अपने लिहाज से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो आम लोगों को टेक्निकली प्रॉब्लम्स आज की तारीख में आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज की तारीख में लोगों के अंदर एक बहुत बारी कन्फ्यूजन इस संदर्भ में देखने को मिल रहा है। फुल फ्लेज सेक्रेटेरिएट चलाइए, अगर आपका जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट श्रीनगर चले गए हैं और आप ये कहते हैं कि यहाँ भी हम चला रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को एम्पावर तो कीजिए कि यहाँ जो आपने 200 करोड़ बचेगा, यानी कि फिर से जनता को एक लॉलीपॉप दिखाया गया, 200 करोड़ जनता भी आके बिछाइए। पर सवाल ये है कि 200 करोड़ बचेगा, इस बात को मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं हूँ। जब तक लोगों के काम होना शुरू नहीं हो जाएंगे, जब तक लोगों को प्रैक्टिकली कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, तब तक इस संदर्भ में कोई भी कमेंट करना जो है वो वाजिब नहीं होगा। अब देखते हैं, अभी इन्होंने ऐलान किया है, और इस वक्त मैं इस फैसले को कोसूंगा भी नहीं, क्योंकि तब ये कहा जाएगा कि ये फटाफट जो है इसका क्रिटिसिज्म। मैं ये कहता हूँ कि दोनों जगह आपने चला, दोनों जगह चलाइए, लेकिन दोनों जगह फ्रूटफुल हो सेक्रेटेरिएट, और दोनों जगह फंक्शनिंग से दोनों खिते के लोगों को फ़ायदा मिल सके। ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए इस किस्म का फैसला अगर आप कहते हैं कि आपने ले लिया है, लोगों को फ़ायदा ही कोई नहीं हो रहा है तो करना क्या? और मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने बहुत सारे जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट वो कहते हैं जी हम तो श्रीनगर में हैं, जब आएंगे तो देख लेंगे। तो इस तरीके से जब हमारे लोगों के साथ ये बात हो रही है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के जो मिनिस्टर रहे हैं, एमएल, उनके, आम आदमी आप क्या समझते हैं कि कहीं पहुंच सकता है या अपनी बात जो है वो सुना सकता है किसी को, या उसके ऊपर कोई अमल दरामद हो सकती है? जीरो आउटपुट है आज की तारीख तक। मैं आपको बता दूं, और आने वाले वक्त में क्या होता है ये देखना पड़ेगा। हरदीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी के प्रधान जो रविंदर रैना जी, जब भी हम उनसे प्रश्न पूछते हैं या प्रेस वार्ता करते हैं, वो कहते हैं कि धारा 370 के बाद, यानी कि अनुच्छेद 370 के बाद जनता जो है जम्मू की बड़ी खुशहाली में, जनता खुश है। पर दूसरी तरफ ही जनता कहती है धारा 300 अनुच्छेद 370 अब्रोगेट तो हुआ, पर कहीं ना कहीं हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं, खासकर जम्मू की जनता को। ये किस तरह की खुशहाली है? हरजीत जी, हम आपसे पूछते हैं, आप भी तो उन्हीं लोगों को कवर करते हो, आप ही उन लोगों के सपोर्ट में आते हो। डेली वेजर्स की बात करें, चाहे वो PDD डिपार्टमेंट हो, चाहे PHE, लगातार वो लोग पेंडेमिक के टाइम में बैठे हैं। बात करें 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चर की, लगातार 4 साल से बैठे हैं। बात करें डेंटल सर्जन की, जो डिग्रियाँ लेकर अपनी डिग्रियों को फूंकने पर मजबूर, जलाने पर मजबूर हो गए। बात करेंगे रहबरे खेल फेज 2 की बात करेंगे। सर आखिर बात करें तो किस किस की बात करें, किस तरह की
खुशी है जो सड़कों पर उतर कर आ रही है लोगों के माध्यम। ये पता नहीं उनको क्या दिख रहा है और वो कहाँ देख रहे हैं, कौन सा चश्मे से देख रहे हैं रविंदर रैना जी। हकीकत यह है कि लोग यहाँ मायूस हैं और निराशा का एक माहौल जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पर जैसे आपने जिक्र किया, नौजवानों के अंदर एक भारी गुस्सा देखने को आज की तारीख में मिला, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, किसी के महकमे के हैं, पीएचई के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, डेंटल सर्जन हैं, प्रोफेशनल उन्होंने एक कोर्स किया हुआ है और सोसाइटी की वो खिदमत कर सकते हैं, ज़रूरत है यहाँ डेंटल सर्जन की। और बार बार आश्वासन भी उनको दिए गए, बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन सारे के सारे वादे जो हैं वो जुमले साबित हुए। और आज डेंटल सर्जन्स को भी सड़कों के ऊपर बैठने के लिए आपने मजबूर कर दिया हुआ है, डिग्री जलाने के लिए मजबूर कर दिया है उन लोगों को। इसी तरीके से जो दूसरे महकमा जात के लोग हैं, बीएसएफ के हैं, सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स हैं, वो बेचारे बार बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी उनका कोई भी मसला हल नहीं किया गया है इस सरकार द्वारा। और हर तबका, आज मैं कहूँगा कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, एकेडमिक अरेंजमेंट जिनको कहा गया है, और उनको भी जो है वो डेली रेटेड के ऊपर जो है वो एक किस्म से उनको बना दिया गया है। इतनी तालीम हासिल करने के बाद भी, एमफिल करने के बाद, पीएचडी करने के बाद जिस तरीके से उनके साथ मजाक किया जा रहा है, ये एक बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही चिंताजनक है। बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो स्टेट्स में लगे हुए थे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स थे जो समागरा में लगे हुए थे, उनको बाहर निकाल दिया गया। ग्रांट्स आ रही हैं केंद्र से उनके लिए, उनकी सैलरी के लिए पैसा आ रहा है, और दो साल से उनको बाहर निकाल दिया गया है। ये भी नहीं बताया जा रहा है कि जो पैसा उनकी तनख्वाह के लिए आ रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है। तो जिस तरीके से एक माहौल बना हुआ है, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैल गया है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने भी ये कहा है कि एक बार कहा 10,000 करोड़ रुपए की फजिंग हुई है 2017-18 में, 18-19 में 8,000 करोड़ रुपए का उन्होंने ये कहा है कि एक स्कैम का जिक्र किया है। कोई पूछने वाला नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे भ्रष्ट लोगों को यहाँ संरक्षण दे रही है और नौजवानों के ऊपर खास तौर पर अत्याचार किया जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट के बच्चों को बाहर निकाल दिया गया और बूट पॉलिश तक करने के लिए इस सरकार ने मजबूर किया बच्चे और बच्चियों को। तो ये कौन सी खुशहाली की बात कर रहे हैं रैना साहब? मुझे इस बात का ताज्जुब हो रहा है और ये हैरानगी है इस बात की कि अभी भी वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा और ज़्यादा हो रहा है, लोगों को भड़काने का काम ऐसा लगता है कि वो कर रहे हैं। सर, क्या लगता है आने वाले समय में अब जनता जो है ये कहेंगे कि किसी पार्टी को देकर, किसी या व्यक्ति को देकर, या संगठन या उनकी विचारधारा को देकर जनता वोट करेगी, क्योंकि जनता के पास वो ताकत है जिस ताकत की बिना पर सरकारें बनती है। देखिए, जनता अब समझ चुकी है कि ताकत जनता के पास है, सरकारें बनाने की भी और गिराने की भी। क्या लगता है कि आने वाले समय में वो विचारधारा जो जनता, जिस तरीके से जनता सोचती है, या वो व्यक्ति कि जो चाहती है जनता वो आ गया है, इस तरह से हमारी जो परेशानियों का कहीं ना कहीं मसीहा बनकर है, ताकि हमारी जितनी भी परेशानियों का समाधान। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है कि जनता को भी अब समझना होगा कि जो हवा के साथ हम बह जाते हैं और ये कहते हैं कि जनाब बहुत बड़ी तूफान फलानी पार्टी का है, हमने तो हवा के साथ ही चलना है, हवा के साथ तो कमज़ोर लोग बह जाते हैं। जो देखिए, आपने देखा होगा जब जब तूफान भी चलता है तो जो एक पेड़ है, मजबूत पेड़ है, वो खड़ा रहता है, जो तिनके हैं वो उठ जाते हैं। आप तिनके मत बनिए, आप मजबूती से खड़ा रहिए और उन लोगों का समर्थन कीजिए जो सही मायने में आपको नुमाइंदगी दे सकते हैं। जो जिन लोगों को ना कायदा की जानकारी है, ना कानून की जानकारी है, ना जिनको इल्म है, और जो सिर्फ सत्ता के लिए हैं और भूल जाते हैं अपने वादों को। आपने तजर्बा भी अब कर लिया है कि आपके साथ बड़े बड़े वादे जो किए जाते हैं और वही लोग बाद में कहते हैं कि ये तो जुमले होते हैं इलेक्शन के, उनको बार बार अगर आप जताएंगे तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं ऐसे लोगों से? ये बात सबसे पहले जनता को समझनी होगी। जब बात जनता ये समझ जाएगी तो तभी जो है वो जनता का कुछ बन सकता है, अन्यथा लोगों को इसी तरीके से आने वाले वक़्त में भुगतना पड़ेगा और उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो आवाम की भी होगी। धन्यवाद हर्षदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कि ऐसी ताकत जो सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ है, जनता जनार्दन के हाथ है, और उस ताकत को पहचानने की अब ज़रूरत है। अब विचारधारा नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई संगठन नहीं, अब व्यक्ति को देकर वोट किया जाना होना है।
क्योंकि हम नहीं, हमारी जनता कहती है कि अब समय आ चुका है, जनता जागरूक हो चुकी है। क्योंकि ये वो जनता है जो ऐसी ताकत रखती है, जो रातों रात सरकारें बनाना भी जानती है और गिराना भी जानती है। जब जनता के मुद्दों पर या उन पर गौर नहीं किया जाएगा, जनता की परेशानियों पर प्रहार किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जनता जागरूक ज़रूर होगी। और जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं, अपने हक की आवाज़ के लिए जम्मू की आवाम आए दिन सड़कों पर है, पर कोई ना कोई मसीहा तो जनता को अब चुनना होगा, ना ही विचारधारा को देखकर, ना ही किसी पार्टी या संगठन को देखकर, वो देखकर, वो व्यक्ति को देखकर जो आपकी बात को, जो आपकी आवाज़ को आगे लेकर जाए, आपके साथ शाना बशाना खड़ा हो, दिन ना रात देखे। और साथ ही साथ जिस तक पहुंचने के लिए आपको होते हुए लंबी कतार में लगना पड़े, चाहे वो टेलीफोन के माध्यम से, चाहे उनके पीए के माध्यम से, पर्सनल असिस्टेंट के माध्यम से, ताकि आप डायरेक्ट उनके तक पहुँचे और अपनी बात रखें। ये जनता का फैसला है, जनता तक छोड़ते हैं। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।